नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। श्री महाराजा छत्र साल जू की जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, मंजू प्रणामी जी, मुकद सर, वीना प्रणामी जी, अंबिका अधिकारी जी नेपाल और हमारी विनय जी जयपुर ज्वार नगर, बबला प्रणामी जी श्री गंगानगर, सीमा प्रणामी जी श्री गंगानगर, कमलेश जी गर्ग, अनीता जी पटेल यूएसए, विजय सेठी, बंटी सेठी, चांद सेठी, अरेश ईशु सेठी, सभी मिलके सुन रहे हैं इस वाणी चर्चा को। इंदु जी आहूजा, रेणु जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम वंदना शुरू करें। श्री वंदो सती गुरु चरणिको करूं सो प्रेम प्रणाम, आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल मैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्मट जी में लेके चलते हैं। और श्री गुम्मट जी के अंदर जो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, वह हमारे श्री जी साहेब जी, हमारे प्रीतम, हमारी श्यामा जी महारानी, बाईजू राज महारानी साहिबा साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसे श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में सष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, उनका दीदार करते हुए आइए श्री बंगला जी दरबार में अपनी सुरता के द्वारा दीदार करते हैं। किस प्रकार से बंगला जी दरबार के अंदर श्री जी साहेब जी साक्षात स्वरूप में तखत पर विराजमान हैं। और यही समय रहता था 11 वर्ष तक, 9 से लेके चर्चा शुरू होती थी। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज वेतक में वर्णन करते हैं कि कभी 12, कभी 1 और कभी 2 बज जाते। वही अक्षरातीत धाम दुल्हा का ध्यान करते हुए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए अपना स्थान ग्रहण करें श्री बंगला जी में। एक ही सीट बना लें, रोज एक ही सीट पे बैठा करें कि मुझे तो यहीं बैठना है ना।
और फिर जिस जिस दिन हम हाजिर नहीं होंगे ना तो हमारी सीट खाली होगी। तो सीट खाली होगी तो शिरजीत साहब जी इंतजार करेंगे कि ये मेरी रूह कहाँ गई, आज चर्चा में आके क्यों नहीं बैठी। तो लाडले सुंदर साहब जी आइए धनी जी के चरणों में बैठ के उन्हीं को निहारते हुए, उन्हीं का दीदार करते हुए एक भाव रखते हैं। आप सभी मेरे साथ गाएं, बड़ा आनंद आएगा। जिसने तुम्हारी याद को, जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया। जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया। जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया। सागर में हर के पिया करते हैं मिहर ही, सागर में हर के पिया करते हैं मिहर ही, जिस पे हुई मिहर तेरी, जिस पे हुई मेहर तेरी, दर पे वो आ गया, जिस पे हुई मेहर तेरी, जिस पे हुई मेहर तेरी, दर पे वो आ गया, जिस पे हुई मेहर तेरी, जिस पे हुई मेहर तेरी, वो दर पे आ गया। जिसने तुम्हारी याद को, जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया, सोए हुए नसीब को, सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया। वाणी से हो गई है
फना में हम भूले थे जो फना में हम घर याद आ गया भूले थे फना में जो हम घर याद आ गया जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया दिल में बसा लिया मन में बसा लिया दिल में बसा लिया रूह में बसा लिया सोए हुए नसीब को सोए हुए नसीब को उसने जगा लिया जिसने तुम्हारी याद को दिल में बसा लिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय आइए लाडले सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कल हम सुन रहे थे एडी इन अदालत आऊं करन डिया हे दावो तो मुँह विच जो सचड़ो मुझो मिया हाणे दाई मुदाई बेजना जा मुकाबिल ना हुन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामति अक्षरातीत धाम दुल्हा हमारे प्रीतम साहेब श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होके और ऐसी सिंधी वाणी का अवतरण किया जिसमें आनंद की कोई सीमा ही नहीं है श्री इंद्रावती जी ने प्यार दिखाया कि लाडले सुंदर साथ जी मैं आपसे कितना प्यार करती हूं प्यार ना करते होते तो सुंदर साथ जी क्या 400 वर्ष से श्री गुम्मड़ जी में बैठ के हमारा इंतजार कर रहे होते श्री इंद्रावती जी को तो धामधनी ने पहले प्रकरण में भी कह दिया था सिंधी के पहले प्रकरण में कह दिया कि श्री इंद्रावती जी आप आना चाहते हो तो आजो परम धाम लेकिन श्री इंद्रावती जी ने वाला जी से कहा ए धनी ये सारी ब्रह्म आत्माओं को आपने ही तो मेरे पीछे लगाया है और ये जितनी ब्रह्म सृष्टि हैं इन्होंने मेरे दिल को पकड़ लिया है क्योंकि आपने वाणी में फरमाया कि मु अर्श दिल रूहन मेरा अर्श दिल परम धाम की आत्माओं का दिल ही मेरा अर्श है परम धाम है और इन सारी आत्माओं को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया और इन आत्माओं ने मेरे दिल को पकड़ लिया है और अब ये मुझे प्राणों का नाथ समझ के और प्रीतम समझ के मेरी तरफ देख रही हैं तो मैं इन ब्रह्म आत्माओं को खेल के अंदर छोड़ के कैसे आ जाऊं धनी परम धाम के अंदर मैं इन आत्माओं को छोड़ के कभी भी परम धाम में नहीं आ सकती क्योंकि ये सारी ब्रह्म आत्माओं को आपने ही मेरे पीछे लगाया है और आज ये विश्वास करके बैठी हैं कि हमारी श्री इंद्रावती जी हमें प्राणनाथ बन के परम धाम लेके जाएगी तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसे श्री इंद्रावती जी की आत्म जो हम परम धाम की आत्माओं के साथ कितना प्यार करती हैं कितना लाड करती हैं वो इस प्रकरण के अगर अंदर किसी को समझ नहीं आया ना और अगर इस झगड़े के प्रकरण में किसी परम धाम की आत्मा को श्री इंद्रावती जी से प्यार नहीं हुआ ना
तो फिर कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये प्रकरण सुनने के बाद किसी भी आत्मा के हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास नहीं जगा अपनी सिरदार सखी जो प्राणनाथ बन के आई हैं, जिनको धनी ने अक्षरातीत धनी ने प्राणनाथ की उपाधि स्वयं दी है ना, और ऐसी श्री इंद्रावती जी की आत्म हम सुंदर साथ के लिए इस खेल के अंदर बैठ के वकालत कर रही है। कल कहा था ना कि दावा चाहे रूहों की तरफ से हो चाहे मेरी तरफ से हो, दोनों तरफ से ही मैं मुकदमा लड़ूंगी धनी। और आप अब भाग के कहां जाओगे और अपने पैर पीछे क्यों हटा रहे हो, अब मैं भागने भी नहीं दूंगी आपको। और फिर कल कह रही थी श्री इंद्रावती जी की आत्म, आप तो सच्चे न्यायाधीश हो ना, मेरी परम धाम की आत्माओं का सच्चा ही न्याय करोगे ना, सच आप बोलते हो, सच मुझसे कहला रहे हो, सच्चे मेरे सुंदर साथ हैं, मेरी परम धाम की आत्माएं सच्ची हैं, तो ए धनी आप कहीं यहाँ के न्यायाधीश की तरह कहीं झूठा फैसला तो नहीं सुना दोगे? क्योंकि धनी जिस अदालत में बैठ के आपने फैसला सुनाना है ना, वो सच्चा अखंड श्री परम धाम है और वो हमारा अमूल मिलावा है, वहां बैठ के आपने हम ब्रह्मात्माओं का न्याय करना है। तो धनी जो सच्चा न्यायाधीश होता है ना, उसका न्याय भी सच्चा होगा, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच बोलने वाले का न्याय भी सच्चा होगा। कल हम सुन रहे थे और कल श्री इंद्रावती जी कह रही थी कि मेरे सच्चे प्राण प्रीतम, अगर आप इस न्यायालय में बैठ के झूठा फैसला करोगे तो वो मैं आपको करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसकी तरफ से खड़ी हूं, मैं परम धाम की आत्माओं की ओर से खड़ी हूं और ये मुकदमा मेरे और आपके बीच में है, हम दोनों के बीच में है। और अब फरमा रहे हैं, हाणे दाई मुदाई बेजना, दाई होता है वादी, मुदाई होता है प्रतिवादी, बे मैंने दो जने है ना, और हाणे दाई मुदाई बेजना जा मुकाबिल ना हुन, कहते जा मैंने जहां तक मुकाबिल मैंने सामने, कहते हम दोनों वादी और प्रतिवादी दोनों हम जब तक आमने सामने नहीं होंगे, तू बैठे हो मत्थे तेरो तोरो गिन्नी, हे बैठ्यू हिकलू रून, तू बैठो मत्थे तोरो गिन्नी, ए मेरे प्रीतम तोरो मैंने होता है ताकत सत्ता है और न्याय रूपी तराजू, तोरई मीन्स होता है न्याय रूपी तराजू, और कहते हैं कि न्याय रूपी तराजू मतलब न्यायालय के अंदर जब आप न्याय करने के लिए बैठोगे है ना, और मैं श्री इंद्रावती की आत्म अपनी परम धाम की आत्माओं की तरफ से इनकी प्रतिनिधि बन के खड़ी हूं है ना। फिर से सुनिए, हाणे दाई मुदाई बेजना, ए धनी हम दो जने हैं, एक वादी है एक प्रतिवादी है, जा मुकाबिल ना हुन, जब तक हम दोनों मुकाबला नहीं करेंगे आमने सामने नहीं होंगे, तू बैठो मत्थे तोरो गिन्नी, हे बैठ्यू हिकली रून, आप परम धाम में न्याय के तराजू लेकर बैठे हैं और मैं इस संसार में अकेली बैठी हुई रो रही हूं, आप तो परम धाम में न्याय के तखत पर सिंहासन पर बैठे हैं और मैं इस संसार में बैठ के रो रही हूं, किसके लिए, अपनी परम धाम की आत्माओं को न्याय दिलाने के लिए कि ये आपसे क्या मांगती हैं, इन्होंने क्या मांगा धनी आपसे है ना, एक तो आपका दर्शन चाहती हैं और दो मीठी बातें सुनना चाहती हैं और तीसरा आप अपना दिल इनको दे दीजिए, इतना ही तो चाहती हैं। अब ये बात कब होगी, जब हम दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन पता क्या है श्री राजजी महाराज, इस समय आप तो बैठे हो मूल मिलावे में सिंहासन के ऊपर ठीक है, और मैं खेल के अंदर बैठ के
रो रही हूँ, और वहाँ आप तराजू लेके बैठे हो न्याय का कि मैं न्याय करूँगा। हैं सिक्का सड्डा दीदार के भी सुनने गाल, सिक्का मैंने सोचता है सिकना, तरस रही हूँ, कुड रही हूँ, तड़फ रही हूँ, सड्डा मैंने पुकारूं, हैं दीदार के किसके लिए तड़फ रही हूँ, किस लिए पुकार रही हूँ, दर्शनों के लिए, हैं भी सुनने गाल, भी मैंने दूसरी, सुनने मैंने सुनने के लिए, गाल मैंने बातें, एक तो मैं आपके दर्शनों के लिए तरस रही हूँ और दूसरा ही बात क्या है, आपकी मीठी बातें सुनने के लिए तरस रही हूँ। अब लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी को तो धामधनी ने साक्षात दर्शन दे दिए थे, श्री पांच महामंगलपुरी धाम के अंदर दीदार दिया, हवसा के अंदर साक्षात दर्शन दिए, धनी जी ने मीठी मीठी बातें करी है ना, उनसे तो वो मिल चुके हैं, लेकिन ये श्री इंद्रावती जी की आत्म किसके लिए बात कर रही है, हम परम धाम की आत्माओं की प्रतिनिधि बनके, हम ब्रह्म आत्माओं की आगे वान बनके बात कर रही है श्री राजी महाराज से, कह रही है सिक्का सड्डा दीदार के, सिक्का मैंने कुड रही हूँ, तरस रही हूँ, है सड्डा मैंने पुकारूं, मैं पुकार रही हूँ, दीदार के मैं तरस रही हूँ, पुकार रही हूँ आपको किसके लिए, कि आप मुझे दर्शन दे दीजिए, भी सुनन के गाल, भी मैंने दूसरा, सुनन के गाल, आपकी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए, है ना, क्या सुनने के लिए, आपकी रसना से मीठी मीठी बातें सुनने के लिए मैं तरस रही हूं धनी, है ना, क्योंकि भजन की लाइन में कहती है माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, जिन में है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, जिन में है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रू तड़प के, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रू तड़प के, हाँ निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली, हाँ निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली, जब दूर बैठी रूह को हक पास है बुलाते, जब दूर बैठी रूह को हक पास है बुलाते, अंग अंग में इश्क भर के कई लाड है लड़ाते, अंग अंग में इश्क भर के कई लाड है लड़ाते, ए धनी वो चीजें याद आ रही हैं कि किस प्रकार से मूल मिलावे के अंदर कोई रूह दूर भी बैठी होती तो
तो आप उसको नजदीक बुलाते और अंग अंग के अंदर इतना इश्क लाड प्यार भरते और हमें तिरछी नजरों से देखते, लाड और प्यार की नजर हमें दीवाना कर देती। ए धनी, आप एक मीठा वचन बोलते तो रूह आपकी होके रह जाती। ऐसी माशूक की मीठी मीठी बातें, ऐसी माशूक प्रीतम की वो तिरछी नजरें, ऐसे माशूक के पास, हमारे प्रीतम महबूब के पास बैठ के मीठी मीठी बातें करना, इस खेल के अंदर श्री इंद्रावती जी को प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो देख रही हैं कि मुझे तो धनी दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी 12,000 ब्रह्म आत्माएं तरस रही हैं, तड़फ रही हैं। किसके लिए? आज हम सब आत्माएं तरस रही हैं तो किसके लिए? धनी जी के दीदार के लिए और उनकी एक आवाज सुनने के लिए। विचार कीजिए सुंदर साहब जी, अगर किसी रूह को इस खेल के अंदर बैठे बैठे प्रीतम एक आवाज लगा दें, क्या वो जीवन पर्यंत होश में आ सकती है? वो रूह कैसी प्यार भरी आवाज होगी ना, है ना? एक बार सुंदर भाई जी को आवाज लगाई थी कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है के नींद में, करके देख विचार, विद सारी कहूं इन वचनों के प्रकार। एक आवाज सुंदर भाई जी को लगाई थी धनी जी ने, है ना? उसके बाद सुंदर भाई जी को कभी नींद आई नहीं आई ना। एक बार आके दीदार दिया, दर्शन दिया, मिले, आके मीठी मीठी बातें की और इतनी मीठी बातें 2.25 घंटे तक करते रहे श्री राजी महाराज। लेकिन श्री इंद्रावती जी की आत्म तड़फ रही हैं, तरस रही हैं, क्योंकि उनकी जो नजर है ना, उनकी नजर हमारी 12,000 ब्रह्मात्माओं पे है सुंदर साहब जी, क्योंकि उनको पता है ये सारी रूहें मेरा मुंह देख रही हैं, है ना? और मैं भी हुक्म की बांधी हुई हूं, मैं भी धनी जी के हुक्म के हाथ में हूं, और वो इसलिए धनी जी के चरणों में हम परम धाम की आत्माओं की पुकार कर रही हैं, कह रही हैं, सक्का सड्डा दीदार के भी सुनने गाल, मैं तरस रही हूं, मैं पुकार रही हूं आपके दर्शन के लिए, आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए, मुंह वजूद नासूत में, ये मेरे धनी, मेरा ये वजूद है ना, वो इस मृत्यु लोक के अंदर है, तो धनी बक्का नूर जमाल, ए धनी मेरा वजूद तो इस संसार में है, लेकिन आप तो नूर जमाल अक्षराती धनी परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठे हो। ए धनी, आप तो मूल मिलावे में बैठे हो और मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए हम ब्रह्म आत्माओं को देख रहे हो। भग्गो पण तू ना छूटे मंगा हक न्याय, ए मेरे प्रीतम, यदि आप भागना भी चाहे ना तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप अब भागना चाहोगे ना तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे सच्चा न्याय मांगती हूँ। मंगा हक न्याय, हक न्याय मैंने सच्चा न्याय मांगती हूँ मैं आपसे। भग्गो भागने से पण ना छूटे, भागने से भी आप नहीं छूट सकते। मंगा हक न्याय, मैं आपसे सच्चा न्याय मांग रही हूँ ए मेरे धनी। सरो घुरे सच सबनी, या गरीब या पातशाहे, चाहे कोई गरीब हो या कोई सम्राट हो, है धनी जी, सारी दुनिया चाहती है कि मेरे साथ सच्चा न्याय हो। एक सम्राट भी चाहता है कि सच्चा न्याय हो और एक गरीब भी चाहता है कि उसके साथ सच्चा न्याय हो, और मैं भी आपकी अदालत में खड़ी होके आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूं कि ए धनी हमें भी सच्चा न्याय चाहिए, क्योंकि आप सच्चे हो, है ना, और आप
आपकी ब्रह्मात्माएं सच्ची हैं, मुझे सच्चे न्यायाधीश से सच्चा न्याय चाहिए। अब अगर भागना चाहो तो आपको मैं भागने नहीं दूंगी कहीं भी, ठीक है ना। और मेरे से छूट के आप भाग भी अब नहीं सकते। सरे सच निहार जे हे जो सरो सुभान, सरे मीन्स होते हैं न्याय, सच मैंने सच्चा, नहार जे मैंने देखना चाहिए, है ना। हे जो ये जो ये हे जो मैंने यह है ना, सरो सरो मैंने न्याय, और सुभान ए मेरे प्रीतम, सरे सच निहार जे हे जो सरो सुभान, हे मेरे प्रीतम हे मेरे धनी, आप न्याय करने वाले हैं, इसलिए अब आपका सच्चा न्याय देखना चाहती हूं मैं। आप न्यायाधीश हो ना, आपको मैंने न्यायाधीश जज बनाया है ना, और आप जज हो ना, तो मैं आपका सच्चा न्याय देखना चाहती हूं। हैं भोणी भज दो मुथी पान चाहिए रहमान, आप दया के सागर कहलाते हो फिर भी मुझसे भागे फिरते हो। प्यार से कह रही हैं, झिड़क भी रही हैं, थोड़ा सा प्यार से झिड़क रही हैं कि आप दया के सागर कहलाते हो, मेहरों के सागर कहलाते हो, और फिर भी आप भागते फिरते हो मेरे से। ये धनी ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपसे न्याय मांग रही हूं ना, तो आपको न्याय करना चाहिए ना। देखिए सुंदर सा जी, प्रीतम का भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक तो। सारा कुछ कौन बोल रही है, श्री इंद्रावती जी एडवोकेट ही बोल रही है, सारी बातें उन्हीं की हैं। अब के अब फरमा रही है, मुंह इलम खटाई तो ही जे से भाइया तो ही जा आसान, मुंह मैंने मुझको इलम मैंने ज्ञान ने खटाई मैंने जिताया, तो ही जे मैंने आपके से भाइया सो जानती हूँ आसान मैंने एहसान, मुंह इलम खटाई तो ही जे से भाइया तो ही जे आसान, हे मेरे प्रीतम हे मेरे साहब, आपकी स्तारतम वाणी ने मुझको मुकदमा जिताया है, आपकी तारतम वाणी ने मेरा मुकदमा जिताया है। आपको पता है क्योंकि मैंने जितना मुकदमा लड़ा है आपके साथ, वो किसके साथ किया है, आपकी तारतम वाणी के साथ मैं बातें कर रही हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, मैं जितनी भी बातें कर रही हूं ना धनी, सारी बातें आपकी तारतम वाणी से कर रही हूं, और आपकी तारतम वाणी ने ही मेरे को जिताया है, खटाई मैंने जिताया, तो हिजे मैंने आपके आपके इलम ने आपकी तारतम वाणी ने मुझे आसानी से ये मुकदमा जिताया है। मुंह इलम खटाई तो हिजे से भाइया तो हिजा आसान, इसलिए मैं आपका एहसान मानती हूं। मैं तो धनी जी आपका एहसान मान रही हूं कि अगर ये तारतम वाणी नहीं होती तो मैं श्री इंद्रावती आपसे कैसे जीत पाती, है ना। लेकिन सुंदर साहब जी एक बात बताऊं, रास के अंदर भी श्री इंद्रावती जी ने जितनी रामते खेली, हर रामत के अंदर श्री राजी महाराज ने श्री इंद्रावती जी को जिताया। पता क्यों? क्योंकि आशिक वही होता है जो माशूक को जीतते हुए देखे, उसी के अंदर उसका प्यार होता है, वो चाहता है मैं हार जाऊं और मेरी माशूक का जीत जाए, और जब ये खुशी से हंसेगी नाचेगी शोर मचाएगी सबके बीच में, तो उस समय हमारे जो आशिक हमारे प्रीतम है ना, हमारे धनी है ना, हर रास की रामत में वो प्रसन्न हो रहे हैं श्री इंद्रावती जी को जिता के। जब जब श्री इंद्रावती जी जीतती है ना रामतों में भी, तो धनी बड़े प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जीतने के बाद श्री इंद्रावती जी बहुत प्रसन्न होती हैं, और श्री राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को माशूक बनाया है और खुद उनके आशिक बने हैं। तो लाडले सुंदर साहब जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म भी धनी जी को कह रही है कि ए मेरे प्रीतम ए मेरे साहब, मुझे तो आपकी इस तारतम वाणी ने ही तो जिताया है, मैं तो आपका एहसान मानती हूँ।
तो के बद्दो मुराद में कि छुट्टे भगो सुभान। मैंने आपको इस संसार में अपने प्यार से बांध लिया है। इस संसार के अंदर मैंने आपको किससे बांधा है? अपने प्यार से बांध लिया है। तो फिर श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मैं जैसे नचाऊंगी आपको वैसे नाचना पड़ेगा। रास के अंदर कहती हैं कि ए धनी, मैं वहां तो यहां तक कह देती हैं कि मैंने आपको तोता बना के पिंजरे के अंदर बंद कर लिया है, अब मैं जो भी खिलाऊंगी आप वो खाओगे, है ना। इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां खटरुते के अंदर भी कहती हैं। तो लाडले सुंदर साची, यहां भी श्री इंद्रावती जी प्रेम में भर के कह रही हैं कि मैंने आपको इस संसार में अपने प्यार से बांध लिया है। तो के बंदो मुराद में कि छुट्टे भगो सुभान। आपको जब मैंने प्यार की डोरी के अंदर बांध लिया है तो अब आप मुझसे भागकर कहां जाएंगे, आप ही बताइए धनी। क्योंकि कौन सी डोरी में बांधा है? प्यार की डोरी में बांधा है। और प्यार की डोरी में से निकल के धनी जी भाग के कहीं जा नहीं सकते। आऊ झल्ले उबी निया के हल्लन्ना डया हक। आऊ झल्ले उबी न्याय के हल्लन्ना डया हक। मैं न्याय का दामन पकड़ के खड़ी हूं धनी। न्याय का दामन क्या है? मैं तारतम वाणी का आधार लेके खड़ी हूं, है। आऊ झल्ले उबी न्याय के हल्लन्ना डया हक। किसी भी हालत में झूठ का बल नहीं चलने दूंगी। अब आपको हिलने नहीं दूंगी, झूठ का बल नहीं चलने दूंगी, है ना। मुकन्ने जोर सरे इलम जो मुँह तो के खट्यो बेशक। श्री इंद्रावती जी कहती है मेरे पास आपके तारतम ज्ञान की सच्ची शक्ति, सच्ची पावर है। मुकन्ने जोर सरे इलम जो, मेरे पास न्याय के लिए ये 18,758 ये तारतम वाणी है। मुँह तोके खट्यो बेशक। ए धनी, निश्चित रूप में मैंने आपको जीत लिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं कि ए धनी, मैंने आपके इस तारतम वाणी का दमन पकड़ा और इस तारतम वाणी के द्वारा, इस तारतम वाणी की ताकत से मैंने ये मुकदमा जीत लिया है। क्योंकि जब से मैं बोल रही हूं आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। और एडवोकेट बोले जा रहे हैं और जज जब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी चौपाइयां कह दी, 77 चौपाइयों के अंदर श्री इंद्रावती जी ने कहा ए धनी, ए प्रीतम, अब मैं आपको एक बात बता रही हूं कि आपकी इस तारतम वाणी जो आपने मुझे दी, मैं आपका एहसान मानती हूं। और आपकी इस तारतम वाणी ने, जिसका मैंने सहारा लिया, जिसका मैंने दामन पकड़ा तारतम वाणी का, तो इस तारतम वाणी ने मुझे मुकदमा जितवा दिया है। अब मैं आपकी अदालत में जीत के खड़ी हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कितनी भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। विचार कीजिए, जो इतना मीठा प्रेम संवाद श्री इंद्रावती जी लाडली आत्म ने अपने प्रीतम के साथ किया, अपने धनी के साथ किया, और वो हमें सुनने को, वो भी इस नाबुद्धि नासूती रूपी तन हमने जो धारण किए हैं, इन कानों से हमें सुनने को मिल रहा है अक्षरातीत के साथ किया हुआ प्रेम संवाद, और वो भी जो श्री इंद्रावती जी की एक एक बात धनी ने सुनी, और एक एक बात को सुनते हुए धनी जी कितने प्रसन्न हो रहे थे। और श्री इंद्रावती जी जब जब बोलती हैं
तो अक्षरातीत धनी दिल दे के सुन रहे होते हैं। आज भी ये वाणी चर्चा जो चल रही है, तो लाडले सुंदर साथ जी, भाग्यशाली सौभाग्यशाली धाम सखियां वो आत्माएं हैं, धन्य है उनका नसीब और धन्य है उनका अंकुर, धन्य है उनकी निस्बत और धन वो यहाँ भी होंगी और धन परम धाम में भी होगी, जिन्होंने श्री इंद्रावती जी का प्रेम संवाद अपने अक्षरातीत प्रीतम धनी के साथ जो रस से लवा लव मीठे फल की रस की तरह बहता हुआ लवा लव जूस पिया है, ये इससे मीठा स्वाद कोई हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी कितनी मीठी बातें हमारी श्री इंद्रावती जी हमारे धनी जी के साथ कर रही हैं, है ना। सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराएं। उससे पहले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कलम ने प्रश्न किया था कि श्री इंद्रावती जी धनी जी से कैसा न्याय मांग रही हैं, तो कल के धाम सखी हैं जयपुर में रहने वाले हमारे बड़ी प्यारी लाडली आत्म है जो महीन सूत कात रही है धनी जी का, धनी जी के चरणों से डेढ़ वर्ष से ये वाणी चर्चा शुरू हुई और तब से लेके आज तक जुड़ी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कौन है ना, क्योंकि आप सभी जुड़े हुए हो, वो हैं हमारे जयपुर में रहने वाले सुनील जी अंशु जी। सुनील जी अंशु जी, उनको धाम सखी का खिताब मिलता है हमारे सुनील जी को, जिन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया कि हमारे प्रीतम हमारे साहेब से हम परम धाम की आत्माओं के लिए श्री इंद्रावती जी सच्चा न्याय मांग रही हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज का प्रश्न है कि धाम के धनी अक्षरातीत प्रीतम श्री इंद्रावती जी कि किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। श्री राजजी महाराज श्री इंद्रावती जी की किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराएं। हलाए हक हुकाम जेनिया समो निहारिये ता पटना रखे दम ता हक के नहार जे। हलाए हक हुकाम हलाए हक हुकाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये पिछली चौपाई थी दोहराने वाली। मुंह तो के खटियो बेशक आऊ झल्ले ओ भी न्याय के हलन्ना डिया हक मुंह कन्ने जोर सरे इलम जो मुंह तो के खटियो बेशक मुंह तो के खटियो बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, जिन आत्माओं को जिन परम धाम की लाडली आत्माएं जो भी परमंश महाराज श्री ज्वारदास जी
कि 1100 पारायण में भाग लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। जो भी पारायण पढ़ना चाहें तो आप पारायण लिखवा सकते हो। और लाडले सुंदर साथ जी, कुछ हमारे सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो वाणी इस समय में नहीं पढ़ सकते, तो लाडले सुंदर साथ जी जो वाणी नहीं पढ़ सकते तो हम परमहंस महाराज श्री ज्वरदास जी के नाम पर 125,000 बार तारतम का जाप करेंगे, निज नाम का जाप करेंगे। तो जो सुंदर साथ वाणी पढ़ने में असमर्थ हैं तो वो तारतम का जाप करके 108 बार तारतम का जाप करके दे सकते हैं। चाहे कोई एक माला करे, कोई दो करे, जिसकी इच्छा हो वो उतनी माला का जाप परमहंस महाराज श्री ज्वरदास जी के स्मृति महोत्सव में 125,000 बार तारतम का पाठ किया जाएगा। तो अब सुंदर साथ को आसानी हो जाएगी, जो वाणी नहीं पढ़ सकते तो वो सुंदर साथ भी परमहंस महाराज श्री ज्वरदास जी के स्मृति महोत्सव में वो भी आहुति डाल सकते हैं, निज नाम की माला का जाप करके। जो हम 125,000 निज नाम की माला का जाप करेंगे तो सभी सुंदर साथ तारतम का पाठ करके भी, निज नाम का पाठ करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। और जो भी मुझे लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं। मैंने कल भी आपको नंबर बताया था अपना, आज फिर बता देती हूँ। मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9414089015। जितनी भी तारतम की माला जो भी करना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और वैसे भी बता सकते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।